हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 55 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग फिगर 8E15 देख रहे होंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्मूथ ट्रैक है, ठीक है, और उसका ये पार्ट देखिए सर्कुलर पार्ट है जिसकी रेडियस आर दी हुई है। तो एक ब्लॉक है जो कि इनिशियली कंप्रेस की जाती है, एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, ब्लॉक ऑफ मास एम, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है कि इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग में कितनी होनी चाहिए कि ब्लॉक जो है अगर पॉइंट पी पर पहुंचे तो ट्रैक के ऊपर जो है उसे प्रेस करे फोर्स एम जी से, ठीक है, एम जी फोर्स से उसे प्रेस करे। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो इनिशियल है, लेट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कंप्रेशन इन स्प्रिंग बी एक्स, ठीक है, और अगर पोजीशन पी पर, पोजीशन पी की बात करें तो वहां प्रेस कर रही है आपको, सपोज फोर्स आपका कंटेक्ट फोर्स एन है, ठीक है, एंड ब्लॉक प्रेसेस द सर्कुलर ट्रैक ट्रैक एट पॉइंट पी विथ फोर्स एन, और एन की वैल्यू दी हुई है हमें एम जी के बराबर, ठीक है, एन इक्वल टू एम जी दी हुई है। अब सपोज जब P के पास पहुंचती है ब्लॉक, ठीक है, इनिशियली देखिए क्या है, स्प्रिंग जो है आपकी कंप्रेस्ड है, तो इनिशियल जो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस लेवल को हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, रेफरेंस लेवल, तो इनिशियली सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की जीरो रहेगी, ठीक। पॉइंट पी पर जब पहुंचेगी तो सपोज काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ एम जी स्क्वायर है, जहां भी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, और पी के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वेलोसिटी सपोज पी पोजीशन पर जो है वी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और हाइट ब्लॉक की रेफरेंस लेवल से, ये हमारी रेफरेंस लेवल है, वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है, रेफरेंस लेवल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम इंटू जी इंटू आर इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और कंप्रेशन हमने एज्यूम किया एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगी हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहां से हम एम बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर हो जाएगी हमारी हाफ, हाफ कैंसिल कर देंगे, तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू जी इंटू आर, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। अब बात करते हैं हम पॉइंट पी के, तो पी पॉइंट की जब बात करें तो वहां ब्लॉक प्रेस कर रहा है ट्रैक को नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स एम से, तो क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, तो ट्रैक भी आपको ब्लॉक को प्रेस करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, तो रेडियल फोर्स आपका एन के बराबर ही लगेगा, ठीक है, रेडियल फोर्स सिर्फ एन के, मास तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा एम जी, तो रेडियल कंपोनेंट फोर्स का सिर्फ एन हो जाएगा। एट पॉइंट पी की बात कर लेते हैं, तो रेडियल फोर्स इक्वल टू रेडियल फोर्स एन इक्वल टू एम जी,
देयरफॉर एन इक्वल टू एम जी इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन हमारा वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी है, चलिए एम एम तो कैंसिल हो गया आपका, चलिए तो ये हो गया जी इंटू आर इक्वल टू वी स्क्वायर। और इक्वेशन वन से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सॉरी के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी आर डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। और यहां से हमारा आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, सॉरी एम जी आर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी आर, ठीक है। और के एक्स स्क्वायर हमारी हो गई थ्री एम जी आर के बराबर, थ्री इंटू एम जी आर। और हमें तो फाइंड करनी है इनिशियल कंप्रेशन मीन्स एक्स, तो एक्स हमारी हो जाएगी अंडर रूट थ्री एम जी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय के, यही हमारा इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 55 के सॉल्यूशन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।